गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। दोज मैग्नेट विच आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। वैसा मैग्नेट जो कि प्रिपेयर होता है इलेक्ट्रिक करंट के वजह से, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके वजह से जो मैग्नेट प्रिपेयर होता है उस मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट कहते हैं। आप यहां देखोगे कि जो आपका वर्ड है इलेक्ट्रो और क्या है इसमें मैग्नेट है ना। अब इसमें जो इलेक्ट्रो जो टर्म है, कौन सा टर्म मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक करेंट। और मैग्नेट का मतलब क्या होता है, मैग्नेट है ना। तो वैसा मैग्नेट जो प्रिपेयर होता है कैसे, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसके वजह से उसका प्रिपेशन हो रहा है उस मैग्नेट का, तो उस मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट कहते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रो मैग्नेट होता क्या है। अब यहां समझोगे कि इलेक्ट्रो मैग्नेट आखिर में प्रिपेयर होता कैसे। हम लोग ने ये समझा इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं उससे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर होता है, लेकिन किस में, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में, या बोलो तो मैग्नेटिक मटेरियल में। अब ये होते क्या है, तो दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वैसे सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे, या फिर आप बोलो तो मैग्नेटिक मटेरियल। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कौन कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएंगे, आयरन हो गए, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ईटीसी, ये सभी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से ये सभी किसमें आएंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस में, या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटिक मटेरियल में। जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे आयरन का ही बात करें, ठीक है, अब हम लोग आयरन लिए हुए हैं और आयरन को हम लोग जब सोलेनोइड में रखते हैं, ठीक है, और जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्या आयरन में हम लोग उसको एक सोलेनोइड होता है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में होता है, क्लोज होता है ना। सोलेनोइड कैसा होता है, सोलेनोइड आपका कुछ इस प्रकार का है ना। और होता क्या है, जैसे समझिएगा, सोलेनोइड जो होता है वो एक क्लोज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका कॉपर वायर या फिर बोलो किसी और वायर का भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो होता है वो कॉपर वायर का इंसुलेटेड होता है। ये जो वायर होते हैं वो किसके होते हैं, कॉपर वायर के, और ये क्लोज रहेगा, कहीं से भी ओपन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। सोलेनोइड एक तरह का क्लोज लूप है, ठीक है, ये क्लोज है ये, और क्या ये किस शेप में है, सिलिंड्रिकल के शेप में, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे इसका एक वायर आपका सेल या फिर बैटरी बोलूं, यहां पर सेल लिया हूं, तो उससे कनेक्ट होता है एनोइड का एक वायर आपका पॉजिटिव से, एक वायर आपका नेगेटिव से, ठीक है, कनेक्टेड होता है। और होता क्या है कि इसमें क्या कर दिया जाता है, इसमें आपका प्लेस्ड कर दिया जाता है, इसमें किसको प्लेस कर दिया जाता है, कोई भी हम लोग आयरन लिए हुए, ठीक है, सॉफ्ट आयरन लिए हुए, अब यहां पर इसमें प्लेस कर दिया गया। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका किधर से पास होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस की ओर जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, ऐसा ही है। तो होता क्या है कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इसकी वजह से जो ये आयरन है उसमें कैसा प्रॉपर्टी आ जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। इट मींस ये जो आयरन है वो किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, मैग्नेट में। तो ये आयरन जो है, ये आयरन मैंने हम लोगों ने जो सोलेनोइड में प्लेस किया था, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट होने लगा, मैग्नेट में कन्वर्ट होने लगा। किसके वजह से, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास किए उसके वजह से। इट मींस यहां पर जो मैग्नेट प्रिपेयर हो रहा है वो कैसे प्रिपेयर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास कर रहे हैं उसके वजह से हो रहा है ना। तो इस वजह से इस मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट कहते हैं। तो आप यहां पर ये भी समझ गए
कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रिपेयर कैसे करेंगे और किस मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, आपको ये समझ में आ गया। आप समझोगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच का जो रिलेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास किए उसके वजह से क्या हुआ कि ये जो आयरन है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगा, मतलब बोले तो मैग्नेट में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हैंस क्रिस्टेन ऑर्स्टेड, ये साइंटिस्ट का नेम है, उनके द्वारा बताया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट और क्या मैग्नेट है ना, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच में एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को उन्होंने नेम दिया था क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेट या मैग्नेटिज्म बोलूं इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना, रिलेशन है, तब तो ये आपका क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका आयरन में जो यहाँ आयरन प्लेस्ड है उसमें आपका क्या आ रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है। इट मींस ये आयरन आपका मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिलेशन तो है, और इस रिलेशन का जो नेम है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट के बीच के जो रिलेशन होते हैं उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो एक्सप्लेन किया गया था वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, तो हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड के द्वारा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब तक आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिएगा तब तक इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना बंद कर देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगा। इट मींस अगर हम लोग यहां इलेक्ट्रिक करंट पास करना बंद कर दें तो होगा क्या कि ये फिर मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो एक तरह से बोलो तो ये आपका टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह से कैसा मैग्नेट होता है, टेम्प्रोरी इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्प्रोरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट है, टेम्प्रोरी मैग्नेट है, क्योंकि जब तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करवा रहे हैं तब तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करवाना बंद कर देंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चला जाएगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो टेम्प्रोरी है, कुछ समय के लिए है। कि जितने ही हाई अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा कि आपका मैग्नेट प्रिपेयर होगा, उतने ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। अगर आप करंट का अमाउंट बढ़ा देते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आप करंट का अमाउंट घटा देते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, वीक बनेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहते हो। आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहते हो तो उसके लिए आपको हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करना होगा, अगर आपको लो इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए तो उसके लिए आपको कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना होगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो एक तरह का कैसा मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, क्योंकि ह्यूमन बींग के द्वारा प्रिपेयर होना ना, तो वैसा मैग्नेट जो ह्यूमन बींग के द्वारा प्रिपेयर होता है उस मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह का मैग्नेट होता है, एक तरह का आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझ गए होंगे।